इसी के साथ अभी हम शो में जरा आगे बढ़ना चाहेंगे और जनाब बात करेंगे आजकल के मयारे तालीम की, हमारे टीचर्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमारे बच्चे किसी ज़माने में जो टीचिंग थी वो एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल फील्ड समझी जाती थी, और तब के टीचर्स जो थे वो कमाई से ज़्यादा के एट द एंड ऑफ द मंथ उनको जो एक हैंडफुल अमाउंट हाथ में आएगी उससे ज़्यादा उनका कंसर्न ये होता था कि जो बच्चे उनके पास आ रहे हैं वो तालीम देने के साथ साथ उनकी तरबियत भी करें। आजकल अनफॉर्चुनेटली ना घर में उस तरह से तरबियत बच्चों को मिलती है ना स्कूलों में वो तरबियत का पहलू है, तालीम अकेले कुछ नहीं कर सकती, बट बहरहाल तालीम और तरबियत हमेशा साथ साथ चलें तभी चीज़ें बेहतर रहती हैं। लेकिन जब तरबियत नहीं और मुख्तलिफ़ चीज़ों पर हम उस तरह से गौर नहीं करें तो तालीम का मयार भी गिरता चला जा रहा है, और आजकल जितना बड़ा स्कूल हो जहाँ की फ़ीस जितनी ज़्यादा हो सो वहाँ पर बच्चों को भेजना एक ख़ास मखसूस क्लास की मैं बात करूँ एक स्टेटस सिंबल के तौर पर लिया जाता है, और गैदरिंग्स में बताया जाता है कि हमारा बेटा बच्चा जो है वो फ़लाँ इंस्टीट्यूट फ़लाँ जगह से पढ़ा हुआ है भले वहाँ की तालीम सिफर हो। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, और फिर हमारा जो सिंगल नेशनल करिकुलम की बहुत बात की जाती थी वो भी पूरी तरह से नाफिज नहीं हो चुका, तो लूप होल्स बहुत ज़्यादा हैं। हमने इस मयारे तालीम को अप करना है, अप करने के लिए हमें क्या करना है, फरीहा गुल एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन अभी हमें इस जो शो में ज्वाइन करी हैं। फरीहा थैंक यू सो मच। फरीहा आपको क्या लगता है हमारा मयारे तालीम हर सतह पर, वो भले स्कूल की सतह हो कॉलेज की सतह हो या यूनिवर्सिटी की सतह हो, हम इतना स्ट्रॉन्ग जो करिकुलम है वो उस तरह से नहीं दे पा रहे, हम उतने बच्चे उस तरह से स्ट्रॉन्गली पैदा नहीं कर पा रहे, उनको उस तरह से हम तालीम भी नहीं दे पा रहे तरबियत भी नहीं दे पा रहे, हम लैक कहाँ पर कर रहे हैं, हमारे स्कूल्स हमारे असातिज़ा कहाँ पर कोताही बरत रहे हैं जिसकी वजह से हम ऐसी जनरेशन देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू सो मच पहले तो मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए और इतना मज़ेदार टॉपिक चूज़ करने के लिए। टॉपिक मज़ेदार है लेकिन कॉन्ट्रोवर्सल भी है, सो इसमें हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हम डिस्कस कर दें जो बहुत ही पॉपुलर ना हो। सो पहला पॉइंट के मयारे तालीम क्यों हमारा गिर रहा है, तो पहले आप डिफ़ाइन कर लें कि मयारे तालीम आप किसे कह रहे हैं। ठीक है, मयारे तालीम के लिए हमने तालीम के कंपोनेंट्स ले लिए। लिटरेसी इज़ अनदर स्टोरी, जहाँ हमने कहा कि बच्चे को पढ़ना लिखना आ जाए यानी वो अलिफ बे ते पढ़ ले, और तालीम इज़ अनदर स्टोरी, एजुकेशन इज़ अनदर स्टोरी, जो आपको पढ़ने लिखने के साथ एनालाइज करने की सलाहियत देगी शऊर देगी। ठीक है, सो एक तो बात ये हो गई कि मयारे तालीम की बात हमने पहले कर ली। मयारे तालीम क्या है उसके लिए हम उसके कंपोनेंट्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो आपने कंटेंट की बात की, कंटेंट कैसा दे रहे हैं हम। अच्छा जी, कंपोनेंट्स हैं तालीम के, आपका करिकुलम कैसा है, आपकी टीचर ट्रेनिंग या टीचर कैसा है, पेडागोजिकल स्किल्स उसकी कितनी इम्प्रूव्ड हैं, और फिर आपका असेसमेंट सिस्टम कैसा है, उसके बाद आप स्टूडेंट पर आते हैं। पहले हम करिकुलम की बात कर लेंगे, जैसे आपने SNC का कहा, सिंगल नेशनल करिकुलम का, या और भी ज़ाहिर है जितने भी कंपोनेंट्स हम लेके चल रहे हैं। तो मेरा चूँकि एक्सपीरियंस ज़्यादा हायर एजुकेशन में रहा, मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हायर एजुकेशन में ही काम करते हुए, तो मैं उसी हवाले से ज़्यादा डायमेंशन पे गुफ्तगू कर पाऊँगी बनिस्बत इस पे के मैं नीचे के लेवल्स पे बात करूँ जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल है उस पर। सो जी, हायर एजुकेशन में हमारा जो करिकुलम है या कंटेंट है दैट ऑल्सो मीट्स द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, हमारे यहाँ वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, वही कोर्सेज हैं, कंटेंट है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हैं, हमारे पास दो तरह से अवेलेबल हैं। नंबर वन, हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं, उसके बाद ACC ने जो फंडेड प्रोजेक्ट शुरू किए, जो उन्होंने मुख्तलिफ जर्नल्स और लाइब्रेरीज़ के लिंक्स प्रोवाइड किए यूनिवर्सिटीज़ को ताकि वहाँ तलबा इस्तेमाल कर सकें, तो उनके पास ये एक्सेस है। उसके बाद तीसरी एक्सेस हमें ये कोविड ने दी, और वो थी कि जनाब आप MOOC या कोर्सेज़ करें या edX से या कोर्सेरा से आप कोर्सेज़ कर लें ऑनलाइन और आप उनसे आप लर्निंग कर लें। सो इसका मतलब है कि करिकुलम इतना शायद मेजर इशू ना हो। दूसरा मेजर इशू हमारे पास, हमारा दूसरा कंपोनेंट जो है वो है टीचर एजुकेशन या पेडागोजिकल स्किल्स ऑफ द टीचर। यहाँ ये एक टॉपिक है जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑब्वियसली हमने बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बना दिए, हमारा फोकस किस बात पर था कि नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स को बढ़ाया जाए, नंबर ऑफ़ PhDs वहाँ ज़्यादा हायर किए जाएँ, लेकिन जो लोग PhD कर रहे हैं क्या वो इक्वली गुड हैं अपने पेडागोजिकल स्किल्स में, यानी उन स्किल्स में जिनसे उन्होंने पढ़ाना है, या नहीं है, तो वहाँ हमें कमी देखने में नज़र आती है। अच्छा, एक और चीज़, जब हम मयारे तालीम की बात करते हैं तो उसके लिए माहिर असातिज़ा का होना, तरबियत जिनको खुद भी हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो, प्रॉपर एजुकेशन हो, आपको क्या लगता है कि आजकल हमारे असातिज़ा ठीक आ रहे हैं,
मतलब आपको नहीं लगता कि जो असातिज़ा हैं उनको बच्चों को तालीम देने से ज़्यादा उनकी तरबियत करने से ज़्यादा दे आर मोर फोकस्ड ऑन हाउ मच द अमाउंट दे आर गेटिंग एट द एंड ऑफ द मंथ, उनको अपनी सैलरी से ज़्यादा और पे स्केल से ज़्यादा कंसर्न है? असल में इस सवाल का जवाब, ज़ाहिर मैं भी एक उस्ताद हूँ और पिछले 20 सालों से इसी शोबे से वाबस्ता हूँ और मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने पढ़ाया, पब्लिक सेक्टर में भी पढ़ाया, प्राइवेट सेक्टर में भी। सवाल का जवाब ज़रा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि पसंद भी ना आए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब आप टीचर को, इसका ताल्लुक टीचर से नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी से है। जब आप टीचर को एज एम्प्लॉय डील करना शुरू कर देंगे ना और उसे कहेंगे जनाब आपके ये काम है, आप ये पूरे करें, बस हमें ये चाहिए, तो वो सम हाउ ही करेगा, फिर उसके लिए वो ज़रूरी हो जाएगा ना, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे अर्निंग करना और सोसाइटी में अपनी एक से मेंटेन रखना या अपने आप को ज़िंदा रखना, सर्वाइव करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। तो ये नहीं हम कह सकते कि साजा अच्छे नहीं आए, जाहिर है कि जो हर उस्ताद हर टीचर ऐसा नंबर वन, तो पाँचों उंगलियाँ तो बराबर ज़ाहिर नहीं होंगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाय प्रोफेशन टीचिंग में आ गए, तो जाहिर है कि बाय पैशन आगे। मुझे ऐसे लगता है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको टीचर्स मिलेंगे ना, वो सिंसियर समहाउ होंगे और वो अपने प्रोफेशन को अब एज अ प्रोफेशन भी लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स के साथ भी ऑन द अदर हैंड बड़े ऑनेस्ट हैं। लेकिन जो आ जाते हैं ना प्राइमरी और सेकेंडरी, यहाँ पर टीचर्स जो आ रहे हैं ना, वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जिन ख़वातीन की शादियाँ नहीं हो रही तो वो कहती हैं चलो हम उतने टाइम के लिए अपना टाइम पास कर लें, सो उनको उतना लगाव नहीं होता। तो जिस टीचर कनेक्ट ही ना कर पाए स्टूडेंट्स के साथ, उसने तालीम क्या देनी है और उसने तरबियत कहाँ करनी है? बिल्कुल सही है, इसी चीज़ को, ज़ाहिर है इसकी दो डायमेंशंस हैं। डायमेंशन नंबर वन, जो पब्लिक सेक्टर में आ रहा है वो तो ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म जॉब के लिए आ रहा है, वो तो थोड़े टाइम के लिए क्विकली बताइएगा भी। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में आ रहा है ऑब्वियसली उसके लिए वही चीज़ है जो आप कह रही हैं कि हो सकता है कि वो टाइम पास करने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास बस आखिरी लास्ट मिनट है, बच्चों में क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए और क्रिएटिव स्किल्स को उभारने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट द टीचर्स नीड टू डू, व्हाट द इंस्टीट्यूट्स नीड टू, टीचर नीड टू बी क्रिएटिव टू डेवलप द क्रिएटिविटी। अगर टीचर खुद क्रिएटिव नहीं होगा तो वो क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स में डेवलप नहीं कर सकता। सो एक्चुअली वी डोंट नीड द टीचर्स ओनली, वी नीड द टीचर्स हु आर एक्चुअली द एंटरप्रेन्योर्स इन द सेंस ऑफ टीचिंग और आर द क्रिएटिव, आर प्रोएक्टिव एंड दे नो देयर क्राफ्ट। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो फिर वो नहीं डेवलप। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मैटर, ट्रेनिंग मैटर करती है मायारे तालीम को अप करने के लिए। टीचर ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डेवलप द एजुकेशन कॉन्टेंट करिकुलम, टीचर्स ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल ठीक हो गया। और जो आपने एक बड़ी अहम बात की कि टीचर को कभी भी एम्प्लॉय के तौर पर मत लें और उन पर उनको बर्डन उन पर मत डालें, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हम मलहूज़े हाथ रखते पॉलिसी लेवल, चीज़ों को पॉलिसी लेवल पर। बिल्कुल ठीक आपने कहा, सो चीज़ों को जो है वो बेहतर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया फरीहा गुल हमारे साथ शो में मौजूद थी। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने अख्ताम को पहुँचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।